आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बामत शक्ति के ऊपर। बामत कई इलाकों में इसे बमकी भी बोला जाता है, जिसकी ऊर्जा अन्य शक्तियों के अलावा बहुत तीव्र होती है। कॉन्स्टेंट एनर्जी, बहुत शार्प एनर्जी। अधिकतर लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि बामत कौन सी शक्ति होती है, क्योंकि एक क्षेत्र मात्र में इसका प्रचार है। क्षेत्र में पूजने वाली क्षेत्र देवी है, इसी में ब्रह्म बामत, लुलही बामत, रक्ती बामत, परही बामत, सिदरी बामत, बहुत सारी बामत की स्पीशियस हैं। उसके अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। एक बहुत तीव्र ऊर्जा है जो साधक पर बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है, और इतनी ज़्यादा शार्प एनर्जी काम भी बहुत फास्ट तरीके से करती है। यहाँ बहुत लोग बामत विद्या को नहीं जानते और बहुत सारे क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार नहीं है, वरना तो यह शक्ति बहुत शार्प है। अगर किसी को पता लग जाए बामत शक्ति का तो वो पीछे हटेगा ही नहीं, वो आदमी बामत की सिद्धि अवश्य करेगा। आपके शत्रुओं को कुछ ही समय में निपटा देने वाली शक्ति, सरलता से सिद्ध हो जाने वाली शक्ति, तांत्रिक के सभी उल्टे कामों को बहुत जल्दी सिद्ध करा देने वाली शक्ति, वह शक्ति बामत है। उपदेवी की संज्ञा हो गई, देवी नहीं कहा जा सकता शास्त्रिक मर्यादा के अनुरूप, लेकिन तंत्र में यह एक देवी के तुल्य ही पूजी जाती हैं, और सिद्ध हो जाने पर अपने साधक के सभी कार्यों को अतिशीघ्र संपन्न कर देती हैं। अब सबके साधना के तरीके अलग अलग हैं। यह शक्ति एक दिन में भी सिद्ध होती है, 21 दिनों में भी और 41 दिनों में भी सिद्ध होती है, लेकिन इस शक्ति को सिद्ध करते हुए आपके ऊपर गुरु का हाथ रहना बहुत आवश्यक है। यह बातें मात्र आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में समझ आते हैं, बहुत समय गुजर जाने के बाद उसके नतीजे आपके सामने आते हैं। होली पर, दीपावली पर इसके मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, तब ये एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत तगड़े तगड़े कारीगर बैठे हुए हैं, कॉपी वाले, उनसे डर लगता है, जो कि मैनिपुलेशन का काम करते हैं, कहीं से किसी की कोई साधना उठा ली, उसकी शैली का पता नहीं है, उसको पूरी तरह जानना नहीं है, और अपना बीरबल वाला दिमाग लगा देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आप इस विषय के ऊपर पूर्णतः जानकारी चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और भी ढेरों सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। देवी के जो उपासक हैं, जो अन्य तामसिक साधनाएं नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी साधना है। पहले इसके मंत्र को याद कर लिया जाता है, उसके उपरांत ही इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक और बात है, जिनके साथ गुरु नहीं रहता उनको यह समझ ही नहीं आता, जैसे उन्होंने प्रयोग कर लिया और बढ़िया से सिद्धि कर ली, सिद्धि हो गई, उनके साथ सूक्ष्म रूप से देवी चलने भी लग गई, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ देवी चलने लगी हैं या देवी की कृपा हो गई है हमारे ऊपर। इसीलिए गुरु का होना आवश्यक होता है। साधना में आप सफल होने के बाद भी यदि मन में शंका रखते हैं और उस शंका के निवारण के लिए ही गुरु को ग्रहण किया जाता है, अथवा गुरु बनाया जाता है, अथवा गुरु को धारण किया जाता है। ये बीच का सूत्र है,
मंत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको यदि आप याद कर ले, प्रॉपर तरीके से लिख लिख कर याद कर ले, तो आपको याद हो जाएगा। यह देवी बहुत तीव्र गति से काम करती हैं, वशीकरण करना और काटना, शत्रु का इंतजाम करना। इससे यानी जो जो कामना साधक करता है इस देवी से, तो यह देवी तत्क्षण उसको पूरा करती हैं। भूत प्रेत वाली जो कसर वाले लोग आते हैं, उनका तो यह देवी मोर बना देती है। अगर कायदे से उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो मोर बना देगी उसका, यानी कि उस चीज को पकड़ लेगी। मंत्र आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इस मंत्र को नोट कर लें। लेकिन बोलकर मैं जो मंत्र आपको बताऊंगा, इसमें से दो कड़ी मैं रख लूंगा। जौ, तिल, देसी घी, इस सामग्री द्वारा आम की लकड़ी पर हवन किया जाता है। चौराहे पर संभव ना हो तो आप खाली मैदान में चौराहा बना लें। 551 बार इसका होम किया जाता है। फिर जैसे 2-4-10 दिन इस मंत्र की दो दो माला का अभ्यास आप करते रहें, तो वह एक दिवसीय प्रयोग हो जाता है। कोई चाहे कि मैंने इनके दर्शन करने हैं या इनसे मुलाकात करनी है, तो आपको कम से कम 41 दिन यानी सवा महीना इसका पूर्णतया ब्रह्मचार्य युक्त हो करके आपको इसका जाप करना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा या देवी आपको दर्शन भी दे देंगी। देखिए, किसी की गद्दी में अगर एक छोटा सा प्रेत चल पड़े ना, बड़े बड़े काम तो वो भी कर देता है। देवी की तो महिमा अनंत है, इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। आप अपने इष्ट की साधना करो और साइड में इस शक्ति से यदि काम लेते हो, तो आपकी गद्दी पर काम होने चालू हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मंत्र सुन लीजिए, आपने स्क्रीन के ऊपर देखा था, मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं दो कड़ी इसमें से तोड़ के बोलूँगा। काली बिलारी सोने के पोखर, डाइनी के गुण अढ़ाई, अक्षर लट काट के दिया कलेजा काट के बत्ती, डाइनी के जेठा पुत्र मार के लाओ बाप चौधरी, बामत बिकट बेस, बामत चले काम रुदेश, कुछ मार कर लाओ कुछ करो खरियान, धुआं धक्कन गद मचाओ कत्ते मारे सिरमान, सिंह धके करे हमान, काली कुत्ती काली बिलारी, बामत हाको निश राती। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, आगे की कड़ियाँ मैं काट दे रहा हूँ कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। लिखित में मैं पूरा मंत्र दिया है, अगर मैं अपने मौखिक रूप से पूरा मंत्र दूंगा तो इसका दुरुपयोग संभव है। आपने इतने धैर्य से यह वीडियो देखी, अगर कोई सज्जन चाहता है कि मुझे इस शक्ति को पूरी तरह सिद्ध करना है, तो वो अपना गुरुदक्षिणा देकर और पूरा लिखित में इसकी साधना मुझसे व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त कर सकता है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय माता की।